गाइज, पृथ्वी पर यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा सांप कौन है जिसका वजन भी अधिक है और लंबाई भी सबसे अधिक है? अजगर अजगर नहीं है, आप कौन सा सांप है? इस वीडियो के अंत तक बने रहे, आपको सारे के सारे इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। सांप जो किसी भी जीव जंतु को मेंढक छिपकली को खा जाता है, छोटे छोटे अपने बच्चों को भी खा जाता है सांप। लेकिन सांप कोई भी जीव जंतु को खाते समय आपने कभी महसूस किया है कि मनुष्य की तरह पूर्ण रूप से चबा कर खाता होगा, खाता है? आपने कभी देखा है? अगर नहीं देखा है तो एक बार जाकर आप महसूस करें। जी हाँ, वह सांप है बिना चबाए हुए, वह किसी भी जीव जंतु है उनको बिना चबाए हुए खाता है। पृथ्वी पर सांप कितने दिनों से आया हुआ है और इसके साथ यानी कि इस सांपों के साथ कौन सा प्रजाति आया हुआ था जो कि वह विलुप्त हो गया और सांप अभी तक वह चल रहा है? 130 यानी कि 130 मिलियन वर्षों पूर्व से सांप पृथ्वी पर है, जो कि डायनासोर के साथ आया हुआ था, यानी कि उसके करीब आया हुआ था सांप और डायनासोर, जो कि डायनासोर लुप्त हो गए और सांप अभी भी है। यहाँ कब तक लुप्त होगा, अगर आपके पास कोई अनुमान है तो चार सकते हैं। जो सांप है वो कितने प्रकार के प्रजातियां है? क्या सारे के सारे सांप है वह जहरीले ही है? कोई ऐसा सांप नहीं है जो जहरीले नहीं है, केवल सांप के लिए वह काम नाम के लिए सांप है लेकिन जहरीले नहीं है। अगर वह किसी व्यक्ति को काट लेता है कोई भी प्रभाव नहीं पड़ सकता है। वह 300 प्रकार के प्रजातियां है सांप का, 300 प्रकार के, लेकिन जो जहरीले सांप है उनमें से मात्र 50 ही सांप है जो बहुत जहरीले हैं, यानी कि जहरीले हैं, बाकी बिना जहर। गाइज, कौन सा ऐसा सांप है जो कि सबसे बड़े हैं, जिनका रिकॉर्ड किया गया है कि सबसे बड़े सांपों में से वह है? उसका फीट, उस जाति का सबसे बड़ा वह कितना फीट तक बढ़ा हुआ है? वह जाति तो है कि यह सांप जाति सबसे बड़े, लेकिन कितने फीट तक? वह सांप का नाम है पाइथन, पाइथन सांप का नाम है, जो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, जो कि 30 फीटों तक यानी कि 30 फीट तक सबसे बड़े सांपों को, उन सांपों को रिकॉर्ड। गाइज, कौन सा ऐसा सांप है जो कि वह गायों के छोटे छोटे बछड़े को या बाछियों को ली जाता है, यानी कि पूर्ण रूप से बिना चबाए हुए उस यानी कि गाय के छोटे छोटे बच्चे को खा जाता है, उन सांप का क्या नाम है? आप बचपन से सुनते आ रहे हैं कि सबसे बड़ा यहाँ सांप है, सबसे विशाल यहाँ सांप है, उन सांप का क्या नाम है? आप चार सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं बता देता हूँ कि अजगर, अजगर है जो कि छोटे छोटे गायों के ली जाते हैं, वहाँ की छोटे छोटे बछड़े को। एक तोता भी जी सकता है अधिक दिनों तक, सबसे अधिक तोता का जीने का रिकॉर्ड कितने वर्ष तक किया गया है? वह मनुष्य से भी अधिक दिनों तक जीवित रह सकता है एक तोता, जो कि पूर्ण रूप से स्वस्थ है। यह नहीं कि प्रत्येक तोता को उस दिन जीना ही जीना है आदमी की तरह, यह नहीं कि 60 साल के बाद जीना ही जीना है, 80 वर्ष तक तोता अपने वहाँ जीवित रह सकता है। सबसे अधिक रिकॉर्ड किया गया है कि 80 वर्ष तक तोता। कौन सा एक ऐसा पक्षी है जो कि अपने बच्चे को अपने खुद नाम देती है? ऐसा सारा पक्षी नहीं है, वह बच्चे को जन्म दिए उसके बाद कोई ऐसा नहीं है कि नाम अपने बच्चे को खुद देते हैं। वह पक्षी का क्या नाम है जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं? आप लोग, हम लोग उस पक्षी को सिखाया करते हैं कि यह बात बोलो, वह बात बोलो। वह कौन सा पक्षी? तोता है। तोता अपने बच्चे को जन्म देकर अपने खुद नाम देते हैं, वह जिंदगी में दोबारा नहीं बदल। पक्षी है जो अपने खाने को यानी फल या कुछ भी खा रहे तो वह पैरों से पकड़ कर खाते हैं। आप कहेंगे सारे के सारे पक्षी, ऐसा कभी नहीं है कि सारे पक्षी, मात्र एक ही पक्षी है जो अपने पैरों से पकड़ कर, आप भी देखे होंगे या आप नहीं देखे हैं तो कभी जाकर आप देख सकते हैं कि वह कौन सा पक्षी है जो पैर से पकड़ कर खाती है। तोता, तोता को एक बार आप जरूर गौर से देख सकते हैं कि अपने पैरों से वहाँ पकड़ कर वहाँ कोई भी फल को खाती है, ऐसा बाकी पक्षी नहीं करते हैं। कौन सा तोता है जो सबसे छोटा है, वह कितने बड़े हैं? जो हमारे एक अंगुल है उस अंगुली के बराबर वह तोते हैं, यानी कि बहुत छोटे, एक आप माने तो वहाँ की एक अंगुली ही है जो कि तोते है। उस तोते का क्या नाम है? पिग्मी, पिग्मी तोता है जो दुनिया का, पूरे वर्ल्ड का, पृथ्वी का सबसे छोटा कहा जाता है पिग्मी तोते का, जो कि सबसे छोटा। गाइज, आप लोग, हम लोग देखते हैं कि कहीं आप अगर हाथी देखे हुए हैं तो हाथी के देखिएगा कि वह कान के अपने बार बार हिलाते रहता है
ऐसा क्यों है कि हाथी अपने कान को बार बार हिलाए रहता है, या नहीं कि मनुष्य की तरह कान को कभी नहीं हिलाता है लेकिन हाथी बहुत ही हिलाते रहता है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि हाथी के पास बहुत अधिक सारे गर्मी होता है, जो कि गर्मी को दूर करने के लिए कान से वह हिलाने पर गर्मी उसका दूर होता है, इसलिए वह कान को हिलाते रहता है हमेशा। मेरे वीडियो अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।